हेलो दोस्तों, ये रात भर भिगोई हुई हमारे पास है किशमिश। पूरे एक रात के लिए भिगो के रख दी थी। और भिगोई हुई किशमिश का जो हमारे लिए अनगिनत फ़ायदे हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में लाभदायक हो जाती है जब हम किशमिश को ओवरनाइट भिगो के रखते हैं। यहाँ पे इसको जो कई तरीक़ों से हम लेते हैं, पर यहाँ इसे बताऊँगी मैं किस तरीके से लेना है। जो इस टाइम खांसी बहुत गंदे तरीके से हो रही है और कफ जमा हो, आंतों में गर्मी हो या बार बार बुखार हो रहा है, सब में इतने अच्छी तरीके से कारगर हो जाएगी कि कहने लायक नहीं। अगर आप बार बार कफ सिरप ला के पी पी के थक चुके हैं, उतना वो आराम नहीं देगा जितना कि इसमें एक और चीज़ मिला देने से ये हमारी रात भर भिगोई हुई किशमिश देगी। पर किशमिश हमें यहाँ पे ये वही वाला लेना है जो ग्रीन नहीं हो, पकी हुई किशमिश लेना है, बिल्कुल मीठी अच्छी क्वालिटी का किशमिश लेना है। ये मैं भिगो के रखी हूँ, ये धुली हुई हूँ तो यहाँ पे दिखा रही हूँ। लाल वाली लेना है, ग्रीन जो खट्टी किशमिश होती है उसको हमें नहीं लेना है, वो उतना हमारे लिए फ़ायदा नहीं करेगी, खांसी के लिए खासकर अगर दवा बनाना है तो। उसके बाद हमें किशमिश को लेके भिगो लेना है 12-15 दाने। पानी एक गिलास पूरा ले लेना है, 200-250 ग्राम पानी हो, और किशमिश को अच्छी तरीके से धो के हमें पूरी रात के लिए भिगो के छोड़ देना है। किशमिश अच्छी तरीके से फूल जाएगा इस तरीके से, देखिए नीचे बैठ गया है। उसके बाद सुबह सुबह बिल्कुल खाली पेट, कुछ खाना वाना नहीं है, उससे पहले ही हमें इस पानी को ले लेना है। वैसे तो हम नॉर्मली जब भिगो के किशमिश खाते हैं तो उसके जो है फ़ायदे अनेक हैं, कई तरीके के लीवर ओवर में फैटी लीवर हो, इन्फेक्शन, बहुत सारी चीज़ों में लिया जा सकता है। पर यहाँ पे मिलाना है हमें थोड़ा सा सेंधा नमक। मेरे घर में जो है हमारे सेंधा नमक ही हम खाते हैं, तो बड़े से डिब्बे में रख रखी हूँ। ये थोड़ा सा मिलाना है 1 पिंच के करीब, और ये खट्टा मीठा सा जो है नमकीन सा एक जूस बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक नहीं लेना है, स्वाद हिसाब से अपने ले लेना, अच्छी तरीके से नमक को चला लेना है। और ये वैसा नहीं कि स्वाद बिल्कुल ख़राब लगेगा, स्वाद भी और अच्छा हो जाता है। और नमक डालने की वजह से किसी भी प्रकार की खांसी हो, बिल्कुल मतलब सिरप पी पी के थक चुके हैं, और बच्चे जो हैं छोटे बच्चे, आजकल एग्ज़ाम चल रहा है, पेपर चल रहा है, तो उन्हें भी हम अगर कफ सिरप देते हैं तो उससे नींद आती है और नुकसानदेह, कहीं ना कहीं सिरप और दवा हमारे लिए नुकसानदेह। फिर ये किसी भी एज के लोगों को दे सकते हैं, कोई नुकसानदेह नहीं है। एक दिन ही अगर आप लेते हैं एक गिलास, फिर पता चल जाएगा जितनी भी कब्ज हो, खांसी हो, बलगम हो या आंतों में गर्मी हो, ये बिल्कुल निकल जाता है। 3 दिन लेने पे बिल्कुल खांसी जैसी भी हो, किसी भी प्रकार की हो, ठीक हो जाती है। और इसे छोटे बच्चों को भी हम दे सकते हैं। कई बार जो है छोटे बच्चे किशमिश खाना नहीं पसंद करेंगे, किशमिश नहीं खाते हैं, तो बच्चों को कोई बात नहीं है, पानी सिर्फ इसका पानी हम निकाल के इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के छोटे बच्चे को भी हम पिला सकते हैं और उन्हें काफ़ी आराम देगा ही। तो किशमिश के अनगिनत फायदे हैं, अपने किचन में ही, अपने घर में ही आराम से इस तरीके से मिल जाता है। मात्र एक चीज़ से हम जो है अपने पुराने से पुराने खांसी, कब्ज और गले में जो भी इन्फेक्शन खराश टाइप होता है, तो इसे ले, इस ड्रिंक को ना लेने से, इसे लेने से बिल्कुल गला वगैरह साफ़ हो जाएगा, कब्ज़ साफ हो जाएगा। और बार बार बुखार आता है, कई बार लीवर में इन्फेक्शन हो या लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी ये काफ़ी आरामदेह हो जाता है किशमिश का पानी भिगोया हुआ। तो हम नमक डाल के सेंधा यहाँ पर ले सकते हैं। खांसी में, खासकर जब खांसी हो तो मीठी किशमिश का यूज करना है, वैसी वाली का नहीं, जो ग्रीन वाली खट्टी सी आती है वो नहीं। और खांसी ज़्यादा हो तो नमक डाल के ही हमें इस पानी को लेना है सुबह सुबह। अब लेके देखिए, ऐसा नहीं कि बस हमने वीडियो में देखा और छोड़ दिया, अरे क्या ये काम करेगा, नहीं, इसे ज़रूर ले। मैं तो हमेशा मतलब बीच बीच में किशमिश का पानी लेती रहती हूँ, और ये काफ़ी जो थकान, कमजोरी, हरारत सी लगती है कि कई बार लेडीज़ हमेशा पड़ी रहती हैं, बोलती थकान है, कमजोरी है, तो उसमें भी कुछ दिन, एक हफ्ते अगर लगातार लेती हैं तो काफ़ी हद तक शरीर जो थकान महसूस करती है वो नहीं करेगी, और काफ़ी जो है इससे ताकत भी बना रहता है और हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। तो खुद भी ले सकते हैं और छोटा बच्चा जो है उसे भी हम दे सकते हैं, ये जो है किशमिश का पानी नमक डाल के। कफ सिरप के तो साइड इफ़ेक्ट भी हैं, उससे हमें भी नींद आती है, बड़ों को भी आती है, बच्चों को भी आती है, पर अगर ये वाला जो है
किशमिश का पानी नमक डाल के अगर आप पीते हैं तो नींद वगैरह बिल्कुल नहीं आती है, काफ़ी फायदे बहुत सारे।